આ પ્રોગ્રામના પ્રાયોજક છે નીલકંઠ પતંગ હોટલ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ. અંતરંગ આજે અમારી સાથે છે કોઈ પણ જાતના પરિચયની જરૂર નથી તેવા પ્રકાશ ઝા. પ્રકાશજી, આપકા સ્વાગત હે કાર્યક્રમમાં. પ્રકાશજી, સબસે પહેલે તો પૂછના ચાહુંગા કે નોર્મલી હટકે ઓફ બીટ ઓર કુછ ભી કરકે મીડિયા મેં ચમકતે રહેના. પ્રકાશજી કુછ ભી કરેંગે તો કોઈ ના કોઈ ઇસ્યુ ખડા હો જાયેગા. ક્યા ઇસ્યુ આપકા સાથ નહીં છોડ દી, આપ ઇસ્યુ અપને આપ હી खड़े हो ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं? मुझे पता नहीं इसके बारे में. देखिए, ऐसा है कि मेरे लिए फिल्म बनाना एक संवाद है समाज के साथ. जो भी समाज में होता रहता है, जो भी यहाँ की व्यवस्था है, किन्हीं भी कारण से कोई भी परिवर्तन हो, उनको मैं समझने की कोशिश करता हूँ. कई साल लग जाते हैं क्योंकि उस समझ के बीच में से, पात्रों के बीच में से, संवादों के बीच में से कोई ना कोई कहानी निकलती रहे. और जब वो बात समझ में आ जाती है, मुझे लगता है कि हाँ, अब ये मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ. तो मृत्युदंड बनती है, तो गंगाजल बनता है, तो अपहरण बनती है, तो राजनीति बनती है, तो वो आरक्षण बनी है. ये मेरा प्रोसेस है, ये मेरा लोगों से बातचीत करने का. अब ये मेकिंग में जिसको जिसके साथ जुड़ना है वो अपने आप जुड़ जाए, चाहे वो विवाद बोलो उसको, या विकास की बात बोलो, या कोई नई सोच रखी है जिसको. देखिए, ऐसा है कि जब आप तो बहते रहेंगे, जिसको जुड़ना है जुड़ते रहो. कि अब जब आप तो जान लीजिए कि जब आप कोई बात कहेंगे तो कुछ लोग आपके साथ होंगे और कुछ लोगों को बात अच्छी नहीं भी लग सकती है. ये तो संभावना है ही है जब आप कोई भी बात कहते हैं. तो ये तो तैयार रहते हैं, जो जिनको मेरी बात अच्छी नहीं लगती है, जो या जिनको लगती है कि नहीं इसमें बदलाव होना चाहिए, तो हमें उनकी बात सुनता हूँ. मेरी भी समझदारी बढ़ती है. लेकिन जब जो कहना है वो तो कहना है, और जो मेरी समझ से ठीक है वो कहना है, और दूसरे की समझ में जहाँ वो ठीक नहीं है उनकी बात सुननी भी है. ओके. प्रकाश जी, आपने बताया कि जिन लोगों को मुझे मेरी बात अच्छी नहीं लगती उनको जो कहना है कहना है, और मुझे जो समझना है समझना है. सीधा मैं सवाल पूछना चाहूँगा, कई बार शायद ऐसा हुआ भी होगा कि कई लोगों को या किसी एक सेगमेंट को, किसी कम्युनिटी को प्रकाश जी की बात पसंद नहीं आई. उन्होंने कहना था वो तो कहा, लेकिन साथ में उसके साथ और कोई भी इंसिडेंट जुड़े होंगे, लाइक थ्रेटन व्हाटएवर. ऐसी चीज़ें होती हैं, किसी, जैसे मैंने कहा कि कई बार कई एक चीज़ लोगों को अच्छी नहीं लगती है, या मैं जो कहूँ वो कोई ज़रूरी नहीं है लोग उसको माने. जैसे आरक्षण का ही मुद्दा है, आरक्षण पर फिल्म बना रहा हूँ, इसमें दोनों समाज, जो समाज जिसको आरक्षण का फ़ायदा मिला है वो भी है, जो आरक्षण से पीड़ित है वो भी है, दोनों ही समाज आमने सामने, दोनों को साथ में रहना है. तो कहीं ना कहीं कुछ बात किसी को अच्छी लगेगी, कुछ नहीं लगेगी अच्छी. अब जैसे कुछ लोगों ने मुद्दा उठा दिया कि सैफ अली खान जो है वो नवाब के बेटे हैं, तो वो दलित का रोल कैसे करेंगे. कुछ लोग और कुछ कहने के लिए पहुँच गए हमारे पास. कुछ लोग लगातार चिट्ठियाँ लिख रहे हैं कि भाई हमारी बात इसमें कही गई है कि नहीं. तो ये तो जारी ही रहेगा. हम अपने हिसाब से समझते हैं, और जो लोग कहते हैं उसको सुनने की ताकत मुझ में होनी चाहिए. सुनना और उसको समझना, और ये समझना कि आपके विचार का दूसरा विचार भी हो सकता है. इसमें थोड़ा कभी कुछ लोग रोष में भी आ जाते हैं, कभी कुछ कह भी देते हैं, मैं सुनता हूँ क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है. कुछ कभी कोई धमका भी देते हैं, उनकी धमकी भी ले लेता हूँ, कोई विकल्प नहीं है. आपने कहा कि सुनना अच्छा लगता है. यू हैव कॉट स्पेशल स्टेटमेंट और वर्ड के मिस्टर सोएक सो कोई आर्टिस्ट के बारे में आपने बताया था कि ही इज अ गुड लिसनर. सैफ अली खान इज अ गुड लिसनर. सैफ अली खान ही नहीं, सभी आर्टिस्ट जो हैं उनको अच्छा धर्म है, मेरा एज ए डायरेक्टर धर्म है कि उनको बिठा के सुनाऊं, उनको बताऊं. तो अपने निजी जीवन में सैफ अली खान कैसे हैं, क्या है, मुझे उतना पता नहीं है. लेकिन जब वो मेरे पास बैठते हैं अपने पात्र के बारे में समझने के लिए, विषय के बारे में समझने के लिए, कहानी के बारे में समझने के लिए, तो फिर तो मैं तो जितने घंटे बैठते हैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ. वो सुनते हैं, समझते हैं,
और उसको आत्मसात करते हैं, क्योंकि ये तो मेरे फायदे की चीज़ है कि जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा मेरे लिए काम। आरक्षण पे सीधा आ जाता हूँ, क्योंकि उसी के लिए आप अहमदाबाद आए हुए, हर जगह हिंदुस्तान के कोने कोने में आप जा भी रहे हो अपनी बात बताने के लिए। एक फिल्म है और ये इश्यू ऐसा है कि शायद हर एक इंसान को कहीं ना कहीं जगह पे छूता है। सीधा बात ये आती है आरक्षण की, आप मानते हैं कि आरक्षण को कई लोग रक्षण की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि आपने जो अपना सिंबल बनाया है उसमें आरक्षण आरक्षण लिखा है, उसके बाद में आर के बाद क्षण लिखा है, जिसको बोलना है रक्षण बोलना है तो रक्षण भी बोले, आर को प्रोनाउंस करे तो आरक्षण भी बोले। आप मानते हो कि आरक्षण को कई लोगों ने अपना रक्षण भी बना रखा है? देखिए हुआ तो है, इसमें कोई बात नहीं, कोई किसी भी तरह का आप व्यवस्था बनाएंगे कानून बनाएंगे तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, उसका एक फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बहुत गहराई से पॉइंट आउट किया था कि जो क्रीमी लेयर है उसको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, जो अपने देश में होता रहा, क्योंकि हमने देखा कि आज़ादी के समय से हमने जब 15% शेड्यूल कास्ट को और 7.5% शेड्यूल ट्राइब को जब हमने आरक्षण दिया तो उसका पूरा फ़ायदा नहीं हो सका। इतने साल 60 साल हो गए उसमें, उसका बहुत बड़ा तबका जो है वो मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं सका, और जो मुट्ठी भर लोग थे वो लगातार फ़ायदा उठाते गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से ये पॉलिसी गलत है, पॉलिसी सही है, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाया। गरीब के बीच से गरीबी दूर करने की पॉलिसी गलत थोड़ी हो सकती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाता है। तो हमारे देश में जो प्रॉब्लम है वो इम्प्लीमेंटेशन, कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। कानून का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि कानून में हम सब फायदा लेना चाहते हैं, तो आरक्षण में रक्षण हो ही जाता है, पॉलिसी सही है लेकिन उसका फायदा गलत हो जाता है। तो इसको हमको ठीक करना पड़ेगा, ये तंत्र जो है इसको ठीक करना पड़ेगा, सही फायदा उठे। और कहा भी है सुप्रीम कोर्ट ने, क्रीमी लेयर को आप निकालो, मतलब एक बार जिसको अगर आरक्षण का फायदा मिल जाए तो फिर दूसरे को फायदा लेने दो। कहीं मतलब नॉर्मली जो भी राइटर है फिल्म के साथ जुड़े, फिल्म निर्माण के साथ जुड़े हो, ज़्यादातर कहते हैं कि जो समाज में बनता है हम तो मिरर है, हम जो होता है वही दिखाते हैं, समाज में जो घटनाएं बनती है उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत देखने लायक बना के उसको आपके सामने पेश कर दें। लेकिन मेरा उल्टा सवाल, क्या इसकी भी इफ़ेक्ट होती है? फिल्मों की भी इफ़ेक्ट सीधी होती है, उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा की जाती? क्योंकि कई बार अगर हिंसात्मक दृश्य वाले, कई लोगों ने इसके ऊपर डिबेट भी किया हुआ है, ज़्यादातर आपकी फिल्म, इसलिए मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर आपकी फिल्म में, एक तो क्राउडेड फिल्म के आप मास्टर हैं, जैसे कि हिचकॉक साहब खुद इतना बड़ा क्राउड लेके खड़े रहते थे, वो खुद खड़े रहते थे, आप नहीं रहते उनके बीच में, लेकिन वायलेंस कहीं ना कहीं आता ही रहेगा, चाहे राजनीति जैसी साफ सुथरी फिल्म। आप अखबार पढ़ते हो? जी। अखबार के पहले पन्ने, दूसरे पन्ने, तीसरे पन्ने पर 90% न्यूज़ क्या होता है? बिल्कुल करप्शन, क्राइम, मैक्सिमम क्राइम, करप्शन, क्राइम, वायलेंस, डेथ, रेप, क्यों होता है? क्योंकि वो जो समाज में बनता है वो दिखाते हैं। इट्स अ न्यूज़, दैट इज द न्यूज़, इट्स अ न्यूज़। मेरा उत्तर मिला आपको कि हम उसको सत्य मान चुके हैं कि वायलेंस जो है या बेसर सेंसिबिलिटी जिसको कहते हैं ये है, इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं होता है? नहीं, होता नहीं है जो, हाँ कहीं होता होगा, मतलब कि अगर कोई आदमी वायलेंट है तो उसको हम हीरो नहीं बनाएंगे। जो गलत, एक मर्डरर को, एक किलर को, एक डाकू को, एक चोर को, उसको हम हीरो नहीं बनाएंगे, उसको उसके किए की सजा मिलेगी। खैर एनीवे, आपने अच्छी बात की, हमारे आरक्षण के अंदर में कोई वायलेंस नहीं है, एक बूंद खून नहीं है। Okay. आपने बताया कि जो क्रिमिनल है उसको हीरो न बनाया जाए, उसी पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों समय था, विराम नो। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनों कार्यक्रम अतिथिमा। प्रकाश जी, आपने ब्रेक से पहले बताया कि जो क्रिमिनल है उसको हीरो न बनाया जाए। सीधा सवाल, बहुत वक्त कम है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो क्राइम करते हैं चाहे
रिकॉर्ड में उनका क्राइम लिखा गया है या तो लोग जानते हैं कि सही में क्राइम किया है, कहीं लिखा नहीं गया, ऐसे लोगों को हम बिठा देते हैं सर्वोच्च स्थान के ऊपर चुनाव में जीता के, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक वाक्या आपको सुनाऊंगा, क्योंकि लड़ा इलेक्शन में भी लड़ा हूं मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी में। पिछले ही इलेक्शन में एक ऐसे जगह पे भाषण दे रहा था, नेपाल की तराई में हमारा कंस्टिट्यूएंसी पड़ती है, तो स्टेज पे खड़े होकर के, क्योंकि मेरे खिलाफ इलेक्शन में कुछ लोग ऐसे भी खड़े थे जिन्होंने पर्चे भरे थे जो कि जेल के अंदर बंद थे, और मैं बड़े शान से बोल रहा था कि समाज में ऐसे लोगों को आना चाहिए, इलेक्शन ऐसे लोगों को लड़ना चाहिए जो अच्छे हों, उनका चरित्र अच्छा हो, जो जो एक मिसाल पेश कर सकें, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे लोग नहीं आप लोगों को चुनने चाहिए जिनका कि रिकॉर्ड सही नहीं हो, जिनके ऊपर चार्जशीट हो, जो जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ते हो, ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। स्टेज के ठीक नीचे ही बहुत बड़ी भीड़ थी, एक बंदा खड़ा था, मैं बोलते बोलते बीच में थोड़ा पानी पीने के लिए रुका सांस करके, तो वो धीरे से वो जो है वो ऐसे इतने ज़ोर से बोला कि आसपास के लोगों को सुनाई पड़ता, बट मेरे को ज़रूर सुनाई पड़े, ऐसे बोला उसने कि बोला जेल के अंदर से भी रह के लोगों का भला किया जा सकता है ना सर। हमारे आम लोगों की मानसिकता ऐसी है, हमारे आम लोग ऐसे लोग को जो सड़क पे चलते हुए और गली में चलते हुए जो अपना वो चाकू पिस्तौल दिखाते हैं और जो एक मैचो चीज दिखाते हैं एक आम जगह पे, उसको हीरो बना देते हैं, उसका जलवा रहता है, कोई तकलीफ किसी को होती है तो पुलिस वाले के बदले उसके पास जाएगा कि वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अच्छे अच्छे लोग जाना शुरू करते हैं, किसी की बेटी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके पास जाता है, वो आदमी जो है तकलीफ दे रहा है। तो जब समाज ये करेगा, ऐसे लोगों को प्रश्रय देगा, ऐसे लोगों को हीरो बना देगा, तो वो समाज कैसा होगा? वो समाज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकता है क्या? वो समाज के पास ऐसी कोई नैतिक ताकत है क्या जो वो अपने आप को कहे कि आपको त्राण दिलाओ? Then you are not seeing any hope against corruption. I am seeing hope only if the people are ready to change. With the if they are going to select or elect Mr. Prakash Jha, then and then it is possible. No. Point is there are several things. They elect themselves. First they must understand कि अगर करप्शन को हटाना है तो उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। ये बातों में अच्छा लगता है प्रकाश जी, ये भाषणों में अच्छा लगता है, सिनेमाओं में अच्छा लगता है, लेकिन आज तक त्याग वाली जो आपने बताई, लेकिन आज तक कहीं पूरी बात सुनी नहीं, कई मिसाल त्याग की लोगों के सामने है ही नहीं। 15-20 सेकंड का समय मुझे दीजिए। आपने त्याग से मैं जो उसको क्वालिफाई कर रहा था, त्याग कोई ऐसा त्याग नहीं। आम आदमी को जब ये समझ में आ जाए कि हम अपने छोटे से फायदे के लिए छोटे से भ्रष्ट काम करते हैं, कि जैसे हमको कहीं कोई चीज़ लाइन में आगे बढ़ के लेनी है, हम लाइन में पीछे हैं तो घूस दे करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमको उसमें भ्रष्ट नज़र नहीं आता। अगर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो हम एक्स्ट्रा पैसा दे के रिजर्वेशन कराते हैं, बच्चे का एडमिशन नहीं होता तो अपने गहने बेच करके उसका एडमिशन करा देते हैं। तो हम लाइन में आगे बढ़ने के लिए जो भ्रष्टाचार करते हैं, उस त्याग की बात मैं कर रहा हूं। मैं कोई बहुत बड़े त्याग की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उतना कर लो। आम आदमी यह कहे कि लाइन में जहां मैं हूं वहां रहूंगा चाहे मुझे कोई दिक्कत हो, कि मैं घूस नहीं दूंगा। जैसे अन्ना जी कहते हैं कि मैं नीट एंड क्लीन रहा हूं लेकिन 25 साल से अपने घर नहीं गया। अन्ना जी बहुत बड़े आदमी हैं, अन्ना जी की बात नहीं करता, मैं आम आदमी की बात करता हूँ। ये आम आदमी ये प्रण कर ले कि मैं इस क्षण के बाद इस देश में ये हो जाए कि 5 रुपये का 10 रुपये का 20 रुपये का घूस भी नहीं दूंगा मैं। ये एक मजदूर जिसको कि सरकार के यहाँ से वेतन जो नरेगा में पैसे आते हैं उसको अपने आधा पैसा उसका कॉन्ट्रैक्टर खा जाता है, आधा पैसे के लिए वो दस्तखत कर देता है, वो कहे मुझे पूरा पैसा खाना है तुम खा जाओ, मैं दस्तखत नहीं करूंगा। जब एक गरीब, जब एक आम आदमी जिस दिन इस देश का खड़ा हो जाएगा कि मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा 5 दिन, मैं रहूंगा, दूसरे दिन से इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा।
अगेन दिस इज आइडियोलॉजी प्रकाश जी, डोंट यू फील दैट? नो, बिकॉज इट्स अ टू, मतलब इतना पॉपुलेटेड तुम्हारा ये कंट्री, नॉट इवन इवन कोई गांव की बात भी करे, मेरे दोस्त फिर भ्रष्टाचार हटाने की बात बंद करो। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आदर्शों की बात करके, जैसे कई लोग धर्मगुरु भी बहुत सारी आइडियोलॉजी और मीत के साथ या तो एक अच्छी सी विजन दिखा के कहीं गुमराह करते। मेरा सीधा सवाल यही है, मुद्दा यही है कि कहीं ना कहीं सपने दिखा के अपनी बात अपने खामे में करने की बात जो चल रही है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनकी बड़ी बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ कि लोकपाल बनाओ, बाहर से भ्रष्ट पैसा जो चला गया, ब्लैक पैसा वो लेकर के आओ, ये सब दिखने वाली चीजें। जो परिवर्तन है वो आमूल होना चाहिए, जो जड़ है ना वहां परिवर्तन होना चाहिए। आइडियोलॉजिकल बात नहीं है दोस्त, आखिर कोई मुद्दा होता है तो हम जमा हो ही जाते हैं ना। अन्ना हजारे जब जंतर मंतर पे गए तो देश के बहुत सारे बच्चे जुड़े उनके साथ। कोई एक जेसिका लाल मरती है और उसके खिलाफ गलत फैसला आता है तो लोग जमा होते हैं ना, मानसिकता बनती है ना। तो आज इस देश के आम आदमी बदलेंगे, किसी अन्ना हजारे की जरूरत नहीं है, किसी बाबा रामदेव की जरूरत नहीं है। हम और आप कोई बड़े बनने के ख्वाब में नहीं, कहीं से कोई सिद्धांत लाने के ख्वाब में नहीं, एक दिन होगा। लेकिन जब तक वो मानसिकता नहीं आएगी, कहने का मतलब ये है कि जब तक वो बनी रहेगी कि चलो यार छोटा सा घूस दे रहा मैं, कोई ऐसा थोड़ी बड़ा क्राइम तो नहीं कर रहा, कोई हजारों करोड़ की बात थोड़ी कर रहा हूं। लेकिन यहीं से बनते बनते बन जाता है ना कि आज आप देखो छोटा सा, आपको जैसे कि पढ़ा आपने यूपी में वो राशन बांटने की पीडीआर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बताया ना, कुछ नेपाल बेच दिया, कुछ कहाँ बेच दिया, क्या हुआ, और बहुत बड़ा घोटाला, कुछ सैकड़ों हजारों रुपए का घोटाला हो गया। तो छोटी चीज ही बड़ी हो जाती है ना, एक बूंद कहीं से भी। चुनाव चुनाव में कहां कहां चूक रहेगी, क्योंकि अगेन यही बात लेके आप आदर्श की बात लेके गए थे आप। नहीं 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 नहीं, प्रकाश प्रकाश वन सेकंड, मेरा सवाल अभी अब मैं 15 सेकंड मांग रहा हूं आपसे। बिहार शायद हिंदुस्तान के हर एक कोने में एक बिहार के लिए अलग चित्र है, था शायद, अभी जिस तरह से मीडिया में आ रहा है कुछ बदलाव दिख रहा है, या तो मीडिया दिखा रहा है, वट एवर। आप क्या मानते हो कि ऐसे प्रदेश में प्रकाश झा जैसे कुछ हटके विचार लेके जब लोगों के समक्ष जाना, मेरे हिसाब से यही बहादुरी वाला काम था। पहली बात तो कि ऐसी सोच लेके वहाँ पर्चा भरना कि मैं ये कुछ करने जा रहा हूँ, और दो बार डिफीट। कंक्लूजन क्या, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं कोई भी चीज़ करते उसके बाद एनालाइज करते उसको, रिजल्ट आने के बाद क्या एनालाइज किया इंडिविजुअली जो शायद आज तक आपने बताया नहीं, क्या कंक्लूड क्या किया? आपको नहीं बताया, बहुत जगह पर लोगों ने पूछा, बताया। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं राजनीतिज्ञ नहीं था, राजनीति समझता जरूर हूँ लेकिन कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी राजनीतिक आइडियोलॉजी को मैंने इंडोर्स नहीं किया आज तक। किसी मंच पे किन्हीं भी नेताओं के साथ आपने नहीं सुना होगा कि मैं खड़ा था। मैं ट्रू, मेरे लिए वो पार्लियामेंट का जॉब था कि मुझे लगता था यार ये पार्लियामेंट में एमपी इलेक्ट होकर के जाता है, काम कुछ नहीं करता वहाँ दिल्ली में, इसके पास हर डिपार्टमेंट है, हर जगह एक्सेस है, ये काम नहीं करता, ये खींच के लाता नहीं। अपने यहाँ प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो या हेल्थ केयर हो या इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो या जो सारी चीज़ें लेके आ सकता है, ये करता ही नहीं आदमी ये। और ये मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, एग्जाम्पल मैं खुद हूँ कि मैं कुछ भी नहीं लेकर के गया बॉम्बे में और आज मैं जो भी सक्सेस करना था मैंने किया। तो अपने उद्यम से, श्रम से, जैसे गुजरात में लोग करते हैं कि छोटा सा काम शुरू करते हैं बहुत बड़ा कर लेते हैं, इंडस्ट्री करते हैं। तो मैं वो जॉब चाह रहा था जिसके लिए मैं इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि उस जॉब में आपको अपॉइंटमेंट जो पब्लिक देती है और कहीं से मिलता नहीं है। और मैंने सोचा था 10 साल तक मैं ये काम करूँगा। तो पहला इलेक्शन तो ऐसे ही लड़ा था, दूसरे इलेक्शन में बहुत समझदारी के साथ 4-5 साल काम करके लड़ा और बहुत हल्के से मार्जिन से बीजेपी से हारा था। तो वो जॉब दिया नहीं मेरे को जनता ने, और बिहार में परिवर्तन 5 साल से पहले से शुरू हो गया, जब से नीतीश बाबू आए तब से परिवर्तन की लहर जो है वो शुरू हो गई थी, लोगों में आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। अभी व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद शुरू हुआ है, शुरू हो गया, एक जमीन बननी शुरू हो गई। फाइन फाइन, आ जाते हैं बिल्कुल आपका पैशन उसके ऊपर यहाँ, क्योंकि नॉर्मली ब्रेक लेना चाहिए लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, कंटिन्यू खींच रहा हूँ। क्राउडेड शॉट, एक कई डायरेक्टर ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी ये क्राउडेड शॉट में मास्टरी नहीं होती है, ये स्पेशल टच आता है, क्योंकि इतना तो मालूम है लोगों को कि प्रकाश जी की फिल्म आएगी, एक दो शॉट ऐसे होंगे जो शायद उनका स्पेशल टच मिलेगा। आज तक की, अभी तक की सभी फिल्मों में द बेस्ट शॉट की अगर बात की जाए, प्रकाश जी किसको बनाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा तसल्ली हुई है, ये शॉट बहुत अल्टी आया था मेरे फिल्मों को। या नहीं, सभी फिल्मों में, जैसे देखो क्या होता है, हमारे हम जो सीन की डिमांड होती है, एक नेचुरल लैंडस्केप की डिमांड होती है, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। और जो आप देखते हो इतने बड़े क्राउड और माहौल का शॉट है, वो एक दिन में नहीं तैयार हो जाता, उसके लिए बहुत पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ती है, महीनों पहले शुरू करते हैं। राजनीति में जो क्राउड था वो अलग तरह का क्राउड था, आम जनता का क्राउड था। इस फिल्म के अंदर जो क्राउड है वो यंग लोगों का क्राउड है, बड़ा बड़ा क्राउड है, यंग लोगों का क्राउड, कॉलेज है, प्रदर्शनकारी हैं, शहर है। तो रियल लोकेशन में रियल लोगों के साथ शूट करना बहुत मज़ा आता है मेरे को। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं वहाँ पहुँचाऊँ। उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी समझदारी होती है, सारे के सारे लोग, महीनों हमारे असिस्टेंट लगे रहते हैं, वर्कशॉप्स करते रहते हैं, वो जितने लोग आप देखते हो क्राउड में सब ट्रेंड लोग हैं, सब पैसे पे आते हैं, सबको समझाया हुआ, रिहर्सल किया हुआ, कैसे क्या करना, वरना करेंगे थोड़ी वैसे वो काम। 8,000 लोग राजनीति में काम करते थे क्राउड में, 8,000 हिंदुस्तान के फिल्म हिस्ट्री में ऐसे इतना बड़ा क्राउड कभी भी किसी आदमी ने अकेले नहीं किया होगा। लेकिन उसके लिए तैयारी 1 साल से की गई, 1 साल पूरा लगा उसको तैयार करने। तो राजनीति में भी एक दिन भी एक्स्ट्रा शूटिंग नहीं हुई, आरक्षण में तो 2 दिन पहले ही खत्म हो गया। तो मास्टरी की बात नहीं है, मेरी परिकल्पना जो होती है कि जो मैं एक रियलिटी में एक देखा कि हाँ ये निकला स्टूडेंट का जलूस तो ऐसा दिखता है, तो मेरी फिल्म में भी वैसे ही दिखना चाहिए। ओके, आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कौन सा डायलॉग आपकी फिल्म का जो अप्रोप्रिएट, सब डायलॉग बिल्कुल सिस्टम से ही चले थे, लेकिन अप्रोप्रिएट डायलॉग जो सीधा ही मैसेज देता है, कहीं ना कहीं सिग्नल देता है, ऐसा कौन सा डायलॉग आपको लगा था? अब देखो ना, हमारी फिल्मों के डायलॉग तो सब चर्चा करते ही रहते हैं, मुझे एक शब्द ऐसा लिखता नहीं हूँ जिसकी ज़रूरत नहीं हो, कभी भी नहीं लिखता हूँ ऐसा, और क्योंकि 8, 8, 9, 9, 10, 10 बार लिखना पड़ता है। अजय देवगन कहते हैं कि हमें विदेशी उम्मीदवार नहीं चाहिए, बाहर का उम्मीदवार नहीं चाहिए, इम्पोर्टेड, प्रॉपर वर्ड इम्पोर्टेड, क्या लॉजिक था? इम्पोर्टेड माल नहीं चलेगा ऐसा बोलते हैं, करेक्ट होना, क्या लॉजिक था वो सिर्फ फिल्म? हाँ, लॉजिक था ना, जो कि पार्टी जो है वो आम लोगों का ख्याल नहीं करती है, ऊपर से उम्मीदवार ला करके छोड़ देती है, तो जो ग्राउंड लेवल पे जो पार्टी है उसको तकलीफ तो होगी ना, तो उम्मीदवार हमारे बीच का होना चाहिए, इम्पोर्टेड माल नहीं चलेगा। कहीं इशारा था किसी के ऊपर? मैं उतने लंबे तो नहीं सोच रहा हूँ जितना आप सोच रहे हो। ओके फाइन, बात करें कास्ट सिलेक्शन की, कास्टिंग की, अगेन इट्स एन टफ टास्क। अजय देवगन को स्पेसिफिकली आप हर एक फिल्म में देखो तो कहीं ना कहीं कॉमन फेस आपको अजय देवगन दिखता है प्रकाश जी की फिल्मों में, स्पेशल क्या कमेंट है उनके लिए? बिकॉज ही इज अ नॉर्मल कॉमन मैन का फेस है, फैंटास्टिक एक्टर है, कॉमन मैन है, स्टार है, एक अच्छा इंसान है, काम करने में मजा आता है उसके साथ। अनफॉर्चुनेटली आरक्षण में नहीं आ पाया, कई डेटों की प्रॉब्लम हो गई, छोड़ोगे फिर भी हमारे साथ रहता है। बट ये लोग जो हैं ये बड़े मजे हुए हैं, मनोज वाजपेयी, अजय देवगन, नाना पाटेकर, इवन मिस्टर बच्चन, सैफ अली खान, कितना बढ़िया कलाकार। आपने छोटा सा एक देखा, बोलो सर, कन्विंसिंग है। तो कारण ये होता है कि मैं आर्टिस्ट के कास्टिंग करने के बाद में शूटिंग से महीनों पहले उनके साथ काम करना शुरू करता हूँ, डेटें फिक्स करके रखते हैं, कम से कम 8 बार 9 बार वो हमारे ऑफिस में आते हैं, घंटों बैठ के बातचीत होती रहती है, उनको समझाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, फीड करते रहता हूँ। वो जब सेट पे आते हैं पूरी तरह तैयार होते हैं,
तो परफॉर्मेंस निकल के आता है। छोटा आर्टिस्ट भी, बड़ा आर्टिस्ट भी, सभी उसी तरह से काम करते हैं। सॉन्ग्स को इतना ज़्यादा थीम ही आपकी ऐसी होती है जहाँ सॉन्ग्स को इस बार है ना, आरक्षण में चार गाने हैं पूरे। क्या क्या स्पेशलिटी, कोई आइटम सॉन्ग? अरे जबरदस्त गाने, पसंद नहीं, रोमांटिक गाना है, एक संबंधों को बिछोड़ने वाला गाना है, एक एंथम जैसा गाना है, एक जबरदस्त एम्बियंस वाला बस्ती में जो गाना होता है, एक चानस तो दे दे मेरी जान तो फिर उड़ान देख ले। कौन सा गाना आपका खुद का फेवरेट है आरक्षण? नहीं, व्हाटएवर, अभी तक का जो गुनगुनाना पसंद कर दे प्रकाश जी। अभी तो मैं आरक्षण के ही गाने आजकल एकदम दिमाग में चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसमें आरक्षण में जो एक गाना लिखा है, जैसे हम जो बच्चन साहब जो है वो जब एक मूवमेंट चलाते हैं बच्चों को पढ़ाने का, और एक आरक्षण जो है जातिवाद के ऊपर में, एक लाइन प्रसून ने लिखी है उसमें कि खोलो ताले सूरज को छोड़ दो, दूसरी जो उसी लाइन की, मतलब कि नो है रोशनी सबकी, मतलब ज्ञान से रोशनी को तोला है, और एक चीज जो लिखी है कि तोड़ो कुएं कर दो तुम नदी, तोड़ो कुएं कर दो तुम नदी, हो पीलो बांटो है सबकी रोशनी। कुएं जो है ना वो जातिवाद का सिंबल है, आप कुएं को तोड़ो और नदी बना दो इसको, क्योंकि नदी में किसी जाति का कोई नहीं है, बाघ बकरी सब एक ही नदी में पानी पीते हैं, और पीलो बांटो सबकी ये रोशनी। प्रकाश जी, हॉबीज क्या क्या आपकी इसके अलावा, क्योंकि ये पैशन है मेरे, मुझे मालूम है कि फिल्में बनाना कोई हटके सब्जेक्ट लेके। मैं इससे बाहर कुछ निकल ही नहीं पाता, पेंटिंग करता हूँ तो इसीलिए, म्यूजिक करता हूँ तो इसीलिए, पढ़ता हूँ तो इसीलिए, जो कुछ भी करता हूँ वो सब फिल्म से ही जुड़ा रहता है। बाकी इसके बियॉन्ड कई एक चीज़ें करते रहता हूँ, जो कि लगता है कि बिहार में कोई अच्छी चीज़ लेके आनी चाहिए। एनजीओ भी है, बिजनेस एंटरप्राइज भी है, मॉल मल्टीप्लेक्स पहला बिहार का मैंने बनाया है, अभी चालू है P&M मॉल, मौर्य टीवी चैनल चलता है बिहार में जिसमें 200 बिहारी बच्चे जो हैं वो काम करते हैं, पूरा पटना में प्रोडक्शन होता है उसका। एनजीओ जो है वो जब भी कुछ ऐसी विपदा होती है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल वगैरह करता है, तो वो करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए। दर्शक मित्रों, आदि खास मुलाकात प्रकाश झा साथे नहीं, फरी मरी शो नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथे, त्यां सुधी रजा आपसे नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। Thank you.